बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन के केमिकल रिएक्शन जो है कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन नाम से भी जाहिर हो रहा है, हैलो मतलब हैलोजिन, हैलोजिन से रिलेटेड कोई रिएक्शन होगा। तो अल्केन ओनली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि अल्केन हमारे पास सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सम अदर एटम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसी भी दूसरे एटम से, जैसे हैलोजन हो सकता है। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा अगर डायरेक्ट सनलाइट में हो, तो अल्केन जब भी किसी हैलोजन के साथ ब्राइट सनलाइट में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। लेकिन अगर यही हमारे पास अल्केन डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्ट कर रहे हों तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन बनता है हमारे पास। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी सीरीज होती है। सबसे पहले हमारे पास CH4 मीथेन है, हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया है और हमारी कंडीशन क्या है, डिफ्यूज सनलाइट। तो इससे क्लोरोमीथेन बनेगा और साथ में HCl। सेकेंड, अब हम क्लोरोमीथेन को दोबारा जब हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कंडीशन वही सेम, डिफ्यूज सनलाइट, तो हमारे पास डाई क्लोरोमीथेन बनता है और साथ में HCl। अब डाई क्लोरोमीथेन को जब हम दोबारा जो है हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ट्राई क्लोरोमीथेन और साथ में HCl, और हम ट्राई क्लोरोमीथेन को जो है क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अब हम क्लोरोफॉर्म को जब हैलोजन के साथ दोबारा रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास टेट्रा क्लोरोमीथेन और साथ में HCl। टेट्रा क्लोरोमीथेन को हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। जब भी कोई अल्केन हैलोजन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्ट करता है तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। अगर यही अल्केन ब्राइट सनलाइट में करेगा तो रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा, कार्बन और साथ में HCl बन जाएगा। ये था हमारे पास हैलोजिनेशन, के कैसे अल्केन जो है हैलोजिनेशन शो करवाते हैं।